मनकू कृषि उद्योग का ओनर मनकू दीनगढ़। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बूम स्प्रे, जो हमारा पिछले 5 सालों से किसानों के पास काम कर रहा है और पूरे भारत में अपनी मशीनें ये चल रही है हर स्टेट में। तो इसकी हम आज आपको जानकारी देंगे भी ये पूरी मशीन के बारे में। तो इसका बताते हैं, जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल इटालियन टेक्नोलॉजी है, जो बाहर की विदेशी मशीनें आती हैं वैसा आपने इसको मशीन को बनाया गया है। पूरा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक बूम है, पावर स्टेयरिंग है, और इसकी जो हाइट है वो ज़मीन से 5 फुट हाइट तक है। तो कोई भी फसल है उसमें ये अच्छे से स्प्रे कर सकेगी। फसलें कभी ऊपर तक रहती है, 10 फीट की रहती है, 9 फीट की रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पौधा ऊपर से स्ट्रेच हो जाता है तो ये नीचे नुकसान नहीं होने देती मशीन। और ये जो बूम है अपना 9-10 फीट हाइट तक ऊपर चला जाता है और 1.5 फीट नीचे तक आ जाता है। अभी जितनी हाइट है फसल की उस हिसाब से ये स्प्रे अपने आप कर देगा, ठीक है सर। और ये अपना इसमें हाइड्रोलिक टैंक लगा हुआ है, हाइड्रोलिक बिल्कुल ये हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है और ऊपर पावर स्टेयरिंग है और इसका कंट्रोलर दिया हुआ है। अगर इसको अपने पानी कम करना है, ज़्यादा करना है, 1 एकड़ में अपने 100 लीटर डालना है, 150 लीटर डालना है, 200 लीटर डालना है, तो इसके ऊपर ये कंट्रोलर दिया गया है। और जो ऊपर वाला वो कंट्रोलर दिया गया है, इस बूम को ऐसे फैलाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, नीचे उठाने के लिए, ये वो कंट्रोलर दिया गया है। बिल्कुल इसकी आप देख सकते हो, जैसे ये कंपनी मॉडल चीज़ बनी हुई है। ये हरमीत 930 अपना ये रजिस्टर्ड फर्म है और ये हरमीत 930 के नाम से अपना ये बूम स्प्रेयर है कर रखा है। इसमें अगर आप किसान भाई देखना चाहिए तो हमारे पास हर टाइम मान लो ये मशीनें अपने पास अवेलेबल रहती है पूरे साल। अपने पास एक दो मशीनें डमे पर रखती है और 3 मशीन मेरी खुद की भी राजस्थान के हनुमानगढ़ में 3 मशीनें मेरी ये चल रही हैं जो मैं रेंट पे चला रहा हूँ। और बाकी जो इसका बूम है इसको अपने 9 फीट हाइट तक ले जा सकते हैं, नीचे 1.5 फीट हाइट तक कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो चलते हुए ये मशीन बड़ी आसानी से। अच्छा, इसकी खासियत मैं अगर आपको बताना चाहूँ, इसकी अभी किसान इसको क्यों ले, इसमें स्प्रे का अगर अपने बात करें तो क्या है, क्योंकि एक जब अपनी स्प्रे होता है पेस्टिसाइड होता है वो एक बहुत मान लो महंगी होती है, 1 लीटर भी अपने को 1000-2000 रुपये में आता है, कॉस्टली होता है। तो उसका कम से कम वेस्टेज हो, उसका करने का मान लो तरीका क्या है, तरीका ये है भी जो पेस्टिसाइड वो जो अपनी फसल है उसके पत्तों के ऊपर ही वो दवाई रहनी चाहिए, अगर नीचे चली गई तो वो जमीन को भी अनुपजाऊ करेगी और फिर वो वेस्ट भी हो जाएगी। तो इसमें जो क्या है, ये जो अपने जो ये नोजल लगी हुई है इसका ये कारण है भी ये पत्ते के ऊपर माइक्रोम साइज में, अब माइक्रोम एक मान लो 1 इंच का 1000वां हिस्सा हो गया, तो माइक्रोम साइज की बूंद बनाएगी जो अपने अगर अपने बाल भी नीचे करेंगे तो 10-10 बूंदें उस पर आपको ये मिल जाएगी। तो उस उतनी मान लो ये बारीक बूंद जब बनाती है तो जो इसके अपना पत्ता कह लो, अपने पौधे का पत्ता होता है, जैसे पौधे की जो टहनिया होती है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं पानी को और दवाई को। तो इससे क्या है, जो फसल को ज़्यादा फायदा होगा, कम दवाई से ज़्यादा फायदा होगा। तो ये इसका जो बता रहे थे अपने, ये इटालियन टेक्नोलॉजी इसमें लगाने का क्या कारण था, और ये इसमें वाटर पंप लगा हुआ है, 2 इंची वाटर पंप लगा है, 2.5 मिनट में ये टैंक फुल कर देता है, नीचे 25 फीट जमीन से भी ये पानी उठा लेगा। इसको स्पेशल मतलब उठाने के लिए बनाया? हाँ बिल्कुल, इसको वहाँ पे इसका आइडल वगैरह दिया हुआ है, इसका गियर अलग से लगाया हुआ है। वैसे अगर अपने बात करें इसको चला ऑपरेट करने की, तो ऑपरेट भी जैसे अपने वो लोडर चलाते हैं या जेसीबी चलाते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, वैसे आम जैसे आप वीडियो में देख रहे हो और आगे हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसको अपने बिल्कुल आसानी तरीके से अपने इसको अपने ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे इसकी ज़्यादा हाइट है तो इसमें चलाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसका हाइट ज़्यादा होने से इसका चौड़ाई भी हमने ज़्यादा कर दी है, जिससे क्या है कि इसका बैलेंस बना रहता है, इसके जो टायर हैं उनका भी थोड़ा डिस्टेंस है वो भी हमने बढ़ा दिया है। 230 या न्यू मनकू दीनगढ़, इसको आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो और हमारी लोकेशन उसमें डायरेक्ट आ जाएगी।